चलिए, तो एम्प्लॉय कॉस्ट का है या फिर लेबर कॉस्ट, तो वीडियो पार्ट थ्री शुरू करते हैं नो टाइम वेस्टिंग वीडियो में। ठीक है, देखिए इस वीडियो में पहले मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, एक आपका जो जनरल क्वेश्चन रहता है, जैसे कि वीडियो नंबर वन में और टू में आया था आइडियल टाइम हमारा, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो है क्वेश्चन रहा है कि अभी भी जो है नॉर्मल आइडियल टाइम क्या होता है और एबनॉर्मल आइडियल टाइम क्या होता है, वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो में जो है वही क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, है ना। ठीक है, चलिए तो बता देता हूँ कि नॉर्मल आइडियल टाइम और एबनॉर्मल आइडियल टाइम का क्या मतलब होता है और उसके ट्रीटमेंट भी कैसे करनी है। ऑलरेडी हम वीडियो नंबर वन में और टू में सीख चुके हैं, लेकिन एक बार मैं आपको थियोरिकली आपको जो है क्लियर करवा देता हूँ ताकि इसमें कोई दिक्कत ना रहे, है ना। बहुत छोटी वीडियो रहेगी। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको मैंने पेज आपको दे रखा है आइडियल टाइम का, है ना। आइडियल टाइम का मतलब मैंने वीडियो नंबर वन में भी बताया था कि आइडियल टाइम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपकी प्रोडक्शन जो है वो ज़ीरो रहेगी, मतलब कि नो प्रोडक्शन, यहाँ पे लिखा है ना नो प्रोडक्शन। मतलब कि आइडियल टाइम का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका कोई भी ऐसा टाइम है जहाँ पे आपके प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं हुई है, मतलब कि प्रोडक्शन आपकी ज़ीरो है, तो उसे हम कहते हैं आइडियल टाइम। और उसमें ही आपको बाइफर्केशन करना होता है, आपको चेक करना होता है कि आप ये जो आपका नो प्रोडक्शन का कारण है वो नॉर्मल आइडियल टाइम है या एबनॉर्मल आइडियल टाइम, है ना। तो मतलब क्या होता है नॉर्मल आइडियल टाइम और एबनॉर्मल आइडियल टाइम का, आइए देखते हैं। सबसे पहले आइडियल टाइम का मतलब समझ में आया, जहाँ पे आपकी प्रोडक्शन ज़ीरो रहेगी ऐसा कोई टाइम। और वीडियो नंबर वन में और टू में ऑलरेडी हम एग्जांपल के साथ सीख चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है, रिवीजन हो रहा है। नॉर्मल आइडियल टाइम, देखिए नॉर्मल आइडियल टाइम का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई लॉस है ना, ऐसा कोई लॉस जहाँ पे आप अवॉइड नहीं कर सकते, जे ऐसा कोई लॉस अगर आ रहा है जहाँ पे इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो ऐसे जो लॉस है, ऐसा जो टाइम है, उसे हम नॉर्मल आइडियल टाइम कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, ये हमने क्वेश्चन नंबर वन में भी, वीडियो नंबर वन में भी देखा था ये एग्जांपल, रेस्ट टाइम, लंच ब्रेक जनरली वगैरह, सिटिंग अप टाइम फॉर अ मशीन। देखिए सिटिंग अप टाइम फॉर द मशीन का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपने सुना होगा कि आप मशीन, जो बड़े बड़े फैक्ट्री में जो मशीन है उसे चालू करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मशीन हीट होती है थोड़ी देर, है ना। तो वो जो टाइम है जहाँ पे वर्कर अगर काम करना भी चाहे लेकिन कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मशीन अभी थोड़ी देर गर्म होगी, उसके बाद जो है वर्किंग कंडीशन में आएगी, तो उसे ही हम कहते हैं सीटिंग अप टाइम। तो वो जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सेटिंग अप टाइम वगैरह वगैरह, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो टाइम तो अभी लगना ही लगना है, अभी वर्कर को आप ब्रेक दे रहे हैं, लंच ब्रेक वगैरह, रेस्ट वगैरह, तो उसमें भी आप जो है अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। वर्कर को आप जो है लंच ब्रेक अवॉइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ऐसे जो आपके लॉसेस है, ऐसे जो टाइम्स है जो इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं नॉर्मल आइडियल टाइम। अब नॉर्मल आइडियल टाइम का ट्रीटमेंट क्या है, तो हमने वीडियो नंबर वन और वीडियो नंबर टू में देख रखा है कैसे होता है ट्रीटमेंट। जी हाँ, टोटल आपके जो भी आर्स आएंगे, टोटल आर्स में से हम जो नॉर्मल आइडियल टाइम आपका जितना भी होता है उसे माइनस करना है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, आपके टोटल आर जो है वो 8 आर है पर डे के हिसाब से, 8 आर टोटल आपके हैं, और उसमें आपको क्वेश्चन में बता रखा है कि भाई जो एम्प्लॉय है उसे हम 1 आर के लिए रेस्ट टाइम देते हैं, लंच ब्रेक देते हैं, तो उसे आपको माइनस करना है। 1 आर किसका रेस्ट टाइम जो है लंच ब्रेक वगैरह देते हैं, तो आपका इफ़ेक्टिव आर कितना आ जाएगा, इफ़ेक्टिव आर आपका आ जाएगा 7। तो नॉर्मल आइडियल टाइम का ट्रीटमेंट क्या हुआ, उसे सिर्फ और सिर्फ आपको टोटल आर में से माइनस करना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए तो आपका आगे क्या है, एबनॉर्मल आइडियल टाइम। अब नॉर्मल आइडियल टाइम तो आपने देख लिया क्या मतलब होता है, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो बेसिकली एबनॉर्मल आइडियल टाइम का मतलब होता है जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं फिर भी वो जो लॉस हुआ है, बेसिकली हम अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो हम इसे अवॉइड कर सकते हैं लेकिन वो लॉस हुआ है। जैसे एग्जांपल ले लूँ, पावर फेल है ना, एग्जांपल है यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर फेल। अब पावर चला गया तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं, जैसे कि जनरेटर लगा सकते हैं, इन्वर्टर लगा सकते हैं, है ना। तो पावर फेलर से जो आपका नुकसान हो रहा है प्रोडक्शन में, उसे आप रोक सकते हैं, लेकिन रोका नहीं, पावर फेलर हुआ,
तो उसे हम एबनॉर्मल आइडियल टाइम कहेंगे, है ना। यहाँ पे दूसरा भी एग्जांपल दे रखा है तो उसे भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो एबनॉर्मल आइडियल टाइम का समझ में आया आपको, जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं लेकिन वो आपका जो टाइम है उसमें फेल हो चुका, उसमें जो है लॉस हो चुका, उसे हम कहते हैं एबनॉर्मल आइडियल टाइम। ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? एबनॉर्मल आइडियल टाइम को आपको जो है आप टोटल आर में से जो नॉर्मल आइडियल टाइम तो माइनस करते ही है, लेकिन एबनॉर्मल आइडियल टाइम को वहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में एबनॉर्मल आइडियल टाइम दिया है तो उसे आपको माइनस नहीं करना, उसे तो आपको कंसीडर वहाँ पे नहीं करना है। जैसे कि हमने आगे का जो अभी एग्जांपल लिया, 8 आवर टोटल थे, उसमें से 1 आवर तो आपने जो लंच ब्रेक दिया था मतलब कि नॉर्मल आइडियल टाइम, उसे हमने माइनस कर दिया, है ना। तो कितना आंसर आया था आपका? 7 आवर्स हुआ था। और मान लीजिए कि 1 आवर आपका इसमें, मैं आपको क्वेश्चन में दे रखता हूँ कि 1 आवर आपका एबनॉर्मल आइडियल टाइम है ना, 1 आवर आपका एबनॉर्मल आइडियल टाइम है, तो उसे आपको यहाँ से माइनस नहीं करना है, 7 आवर में से माइनस नहीं करना है, है ना। एबनॉर्मल आइडियल टाइम की ट्रीटमेंट क्या होती है? देखिए, एबनॉर्मल आइडियल टाइम की ट्रीटमेंट होती है आपको कॉस्टिंग पीएनएल। जब आगे आप देखेंगे मेरे साथ, आप कॉस्ट शीट पढ़ेंगे, है ना, तो उस वीडियो में आप जो है अच्छे से पढ़ेंगे कि कॉस्टिंग पीएनएल का मतलब क्या होता है। अभी बेसिकली आप समझ लीजिए पीएनएल अकाउंट, जो आप 11th 12th में पढ़ के आ रहे हैं, है ना। एक तरीके से लॉस होता है जो आपका, वो आप कहाँ पे दिखाते हैं? पीएनएल अकाउंट में। तो ये भी ऐसा ही लॉस मान के अभी चलिए कि एबनॉर्मल लॉस को आप जो है पीएनएल अकाउंट में बताते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ से आपको माइनस नहीं करना है। यहाँ पे कौन सा माइनस होगा टोटल आर्स में से? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल आइडियल टाइम माइनस होगा। अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल आइडियल टाइम दे रखा है तो उसे यहाँ से माइनस मत करना, वो तो सिर्फ आपको नोट्स दे के आ जाना है कि ये 1 आवर कहाँ पे जाएगा, इज कंसिडर ऑन आपके कॉस्टिंग पीएनएल में। ठीक है जी, कॉस्टिंग जो आपकी होगी वो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आइडियल टाइम का मतलब क्या हुआ, आपको समझ में आया? आइडियल टाइम का मतलब होता है जहाँ पे ऐसा टाइम जहाँ पे आपका प्रोडक्शन ज़ीरो है, है ना। उसमें दो बाइफर्केशन है, नॉर्मल आइडियल टाइम और एबनॉर्मल आइडियल टाइम। नॉर्मल आइडियल टाइम का मतलब क्या हुआ? जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसा कोई टाइम जो है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि लंच ब्रेक है, सिटिंग अप टाइम फॉर मशीन है, है ना। और उसका ट्रीटमेंट कैसे हो गया? बस आपको टोटल आर में से माइनस कर देना है। अब एबनॉर्मल आइडियल टाइम का मतलब क्या हुआ? जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं, है ना, जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि पावर फेलर, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? माइनस नहीं करना है, उसे सिर्फ और सिर्फ दिखा देना है कॉस्टिंग पीएनएल में। इस चैप्टर में तो कॉस्टिंग पीएनएल बनाना नहीं है हमें, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे आपको एबनॉर्मल आइडियल टाइम दे रखा है तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे नोट्स लिख के आ जानी है आंसर में कि ये जो आपका आर से जितना भी आर दिया गया, मान लीजिए 1 आवर 2 आवर जो है एबनॉर्मल आइडियल टाइम है, तो उसे सिर्फ आप नोट्स लिखेंगे कि एबनॉर्मल आइडियल टाइम जितना भी हो 1 आवर 2 आवर, तो उसे जो है आप दिखाएंगे कहाँ? कॉस्टिंग पीएनएल में। ठीक है, चलिए अब वीडियो नंबर 4 में क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आपको क्लियर हो चुका, ठीक है, चलिए। तो ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।